मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। हैशटैग मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की दूसरी पारी की शुरुआत हो गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरे केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि लोक कल्याण संकल्प पत्र में जनता से किए गए हर वादे को समय से पूरा करके दिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना के साथ प्रदेश के हर व्यक्ति की हर संभव मदद की जाएगी। कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। जनता की सेवा और किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। यूपी को विकास के पथ पर आगे ले जाया जाएगा। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 75+ का नारा भी दिया। आज उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दूसरी पारी प्रारंभ हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे देश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उस यज्ञ को जारी रखेंगे, उसे और आगे और मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। 2022 की यह दूसरी पारी जो हमारी है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, वह हमारा रोड मैप है। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। तीसरी बात, मैं यह साथ में और जरूर कहना चाहूँगा कि 2024 में 75+ के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये सर, कि बुलडोजर क्या फिर से चलता रहेगा? जो अवैध इमारतें कोई अवैध कब्जा करके खड़ा किया होगा, तो वह जो भी चल रहा होगा वो रुकने का सवाल नहीं उठता। सर, आपको दूसरी बार भी आपको मंत्री के पद पे आए हैं, सर किस तरह से जिम्मेदारी? देखिए, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, अपने संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति, प्रदेश नेतृत्व के प्रति और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने दूसरी पारी में भी मुझे वही स्थान देने का काम किया जो मुझे पहली पारी में पार्टी ने दिया था।